काफी लोग का ये रहता है कि हम टेम्पर कौन सा चढ़वाएं, मतलब कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, तो मैं उसी टॉपिक के लिए वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे अच्छा जो टेम्पर होता है, जो नॉर्मल टेम्पर होता है, उससे भी बेस्ट टेम्पर होता है सुपर डी ग्लास, जो मेरे पास है, मौजूद है। मैं आज इस फ़ोन पर चढ़ाऊंगा रेडमी नोट 6 प्रो, आई मैं इस पर लगाऊंगा फ़ोन पे, देखना ये टेम्पर काफ़ी अच्छा टेम्पर है। ये टेम्पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी काफ़ी अच्छाइयाँ होती हैं टेम्पर की, जो इस टेम्पर की जो ये पूरा हमारे फ़ोन की साइट होती हैं, ये पूरा कर्व कर लेगा, ये सब कर्व कर लेता है, जो हमारी जगह खाली रह जाती है तो ये हमारा कर्व कर लेगा पूरा, जिससे हमारा फ़ोन गिरता है तो टेम्पर ही टूटेगा। तो इसमें ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं डिस्प्ले बचने के होते हैं। ये टेम्पर काफ़ी अच्छा होता है। मेरे पास ब्लेड है, जिसमें ये डॉक्टर वाला ब्लेड होता है, काफ़ी खतरनाक ब्लेड होता है, जो नुकीली चीज़ होती है। मैं इस पर कितना ही चलाऊंगा, इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब मैं इस पर चला रहा हूँ, इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। और ये डबल एम एम में होता है, मतलब जो वाइड वाला टेम्पर आता है उससे थोड़ा मोटा होता है टेम्पर। दूसरी चीज़ ये चिकना बहुत होता है, मतलब इस पर ऐसा फील होता है जैसे हम अपने मोबाइल का होल्डर चला रहे हैं, मतलब डिस्प्ले चला रहे हैं, वैसी फील होता है इस पर। आई मैं मोबाइल पे चढ़ा के दिखाऊंगा, फिर तो उसके बाद में दिखाता हूँ कि कैसा टेम्पर है, आप वीडियो पूरी देखें। हम इस टेम्पर को चढ़ा लेते हैं। ये हमारा LVD चढ़ा हुआ था इससे पहले। हमारी नहीं क्लीन करने के लिए आता है, ऐसे हम अच्छे से क्लीन करते थे। ये साइटों में ज्यादा गंदगी होती है इसके फोन की, ये हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अब मैं आपको ये वाला टेम्पर चढ़ा के दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से बैठा है, खुद अपनी जगह बना लेता है। चढ़ चुका है टेम्पर, उससे काफी खास बात होती है। मेरे पास ये पानी की बोतल है, अब मैं उसे पानी डालता हूँ। मैंने ये ढक्कन में पानी लिया और उसमें डालता हूँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेम्पर तो बहुत भी और भी होते हैं, सबसे बेस्ट टेम्पर मेन ही यही लगता है, क्योंकि सबसे अच्छा टेम्पर जो होता है सुपर डी होता है, जो हमारी जो है किनारी तलक भी पैक हो जाती है। हमारा कैमरा पैक हो गया, किनारी पैक हो गई, दूसरी चीज़ हम किसी चीज़ को भी ठार से जैसी चीज़ को भी हम चला रहे हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इस पर निशान इतनी जल्दी आने वाले में से नहीं है। दूसरी चीज़, हमने इस पर पानी डाला, पानी भी नहीं रुका, पानी भी इतनी तेज़ी के साथ भाग रहा है कि ये काफ़ी चिकना टेम्पर होता है, पानी नहीं रुका इस पर। मतलब जैसे हमारे पास गीले हाथ होते हैं, फिंगर हमारे गीले होते हैं, तो हम पानी के हाथों से जो है उसे चला सकते हैं, ये होता है। आपको ये टेम्पर अच्छा लगा हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मीशो का, उस पर आप मासो ऑर्डर लगा सकते हैं।